I came here for Rameshwaram, our national executives meeting, and our aim is not a Hindu country, but our aim is a spiritual country and spiritual world. So through yoga and through Vedic practices, we are making a divine, prosperous, spiritual India, and our all work, our all mission is based on a spiritual India and spiritual world. This is our goal, so you can ask another questions. So now the political situation is very difficult. We cannot say who will be next prime minister or who will be the lead the country, but the situation is very interesting, the fighting situation in politics now, and now I'm not focusing on politics. My personal vision in politics now, Sarvadaliya and Nirdaliya. So I'm no time supporting any person and not opposing any party. So abhi hum Bharat Swabhiman ka Rashtriya Karyakarini ka meeting karne ke liye pehli baar south mein Tamil Nadu mein Rameshwaram ko chuna hai. और पूरा देश का हमारा लगभग 1000 जो सीनियर मेंबर्स है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया से कंट्री से रामेश्वरम में जुटा, और हमारा लक्ष्य कोई सांप्रदायिक देश बनाना नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा मकसद नहीं, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व ये हमारा गोल है, और इसी के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग के काम में हम लगे हैं. और 30 तारीख तक का हमारा ये प्रोग्राम रामेश्वरम में चलने वाला है, और आगे तमिलनाडु में भी हमारा होप है कि हम ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस और गांव-गांव तक फ्री योगा क्लासेज हो, योगा आयुर्वेदा नेचुरल प्रोडक्ट्स इसके तरफ लोग लौटें. और मुझे खुशी है कि तमिलनाडु में भी पतंजलि का योगा और पतंजलि का प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और हमारा जो लक्ष्य है कि विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से देश को बचाया जाए, तो इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में भी हमारा बहुत साथ तमिलनाडु के लोगों ने दिया है, उसके लिए हम इनको शुक्रिया करते हैं. आप सब लोगों का भी, मीडिया पर्सन्स का बहुत हमें प्यार मिला है, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम. बोलो भारत माता की जय. नमस्ते. माता की जय. माता की जय.